कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ के ओगरनाथ मंदिर मार्ग पर एक व्यक्ति को गौवंश संग दुष्कर्म करते हुए राहगीर ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। डायल 112 पर की गई शिकायत पर तुरंत ही पुलिस ने एक्शन लिया और नेपाल निवासी खेमचंद को रंगे हाथ गिरफ्तार भी कर लिया। इस घटना के बाद 8 शिकायतकर्ता योगेश ठाकुर, सारथी संस्था अध्यक्ष कल्पना पांडे, दीपू यादव, रोहित धानक व गौरक्षा प्रमुख विशाल समेत थाने पहुंचे और खेमचंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। संस्था अध्यक्ष कल्पना पांडे का कहना है कि दूषित मानसिकता से ग्रस्त इन जैसे लोगों के कारण ही आजकल इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इन पर अंकुश लगना चाहिए। देखिए किस तरह से पकड़ा गया नेपाल निवासी खेमचंद। इस बारे में योगेश ठाकुर ने यह जानकारी दी। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश ठाकुर। आज थाने आए हैं, क्या मामला है? भैया ऐसा है, ओगरनाथ मंदिर है हमारे यहाँ पर सदर में। जब हम रात को अपना चाय पीने के बाद घर की ओर लौट रहे थे तभी हमने देखा कि ओगरनाथ मंदिर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति गाय के साथ दुष्कर्म कर रहा था। तभी हमने उसे पकड़ कर और पुलिस को सूचना दी और पुलिस के साथ उसे यहाँ थाने लेकर आए हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप इसमें? भैया हम चाहते हैं कि ये हिंदू समाज की जो गाय है हम इसे माता का दर्जा देते हैं और हमारी माता के साथ ऐसा दुष्कर्म किया गया है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये जो दोषी एक गाय को नहीं छोड़ रहे हैं, ये सड़क पर चलती महिला और बच्ची को क्या छोड़ेंगे? तो ऐसे दोषी को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होकर इनको फांसी की सजा दी जाए। थाने में तहरीर दी है हमने। आज दिन में खेमचंद के खिलाफ तहरीर देते हुए योगेश ठाकुर व सारथी संस्था अध्यक्ष कल्पना पांडे ने सदर पुलिस से मुलाकात की। देखिए इसी से तो वीडियो बनी है ना सबसे पहले। सरकार इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।